केंद्र सरकार के एक साल पूरे हो चुके हैं और उसी की उपलब्धि गिना रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। चलिए सीधा रुख करते हैं। देखिए, जहां तक सवाल है कि अलग अलग 55 लाख से ज्यादा मजदूरों की यात्रा हुई और 55 लाख मजदूर अलग अलग ट्रेन में गए, कुछ सड़क के मार्ग से गए, तो अलग अलग राज्यों को की जवाबदारी थी कि उन मजदूरों की चिंता करना कि जो सड़क पे चल रहा है, जो साइकिल में चल रहा है, जो पैदल चल रहा है, या ट्रेन में जो व्यवस्था होनी चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जवाबदारी ये थी कि उनके लिए समय पर ट्रेन उपलब्ध करा दे। उस राज्य की जवाबदारी थी कि उनको फूड पैकेट, पानी से लेकर बाकी व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था कराएं। तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक जवाबदारी में दोनों तरफ से कुछ कमी हो सकती है। स्कूल खोलने के लिए भी इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि नया शिक्षा सत्र जुलाई से जो होगा, 1 जुलाई से होता था। मुझे लगता है कि अभी हमको 15 जुलाई तक कम से कम ये देखना चाहिए कि देश के हालात या छत्तीसगढ़ के हालात एकदम नॉर्मल ना होने, तो बच्चों पर रिस्क लेना 15 दिन में नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको वेट एंड वॉच, मुझे लगता है कि तत्काल जल्दबाजी में कदम नहीं उठाए। देखिए, ये पूरे देश में लॉकडाउन को रीओपन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है और रीओपन के प्रोसेस में हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, कोरोना के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी व्यवस्था को ठीक करते हुए आगे बढ़ना भी सीखना पड़ेगा। मगर एक जो कदम उठाए गए हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, अब ब्लॉक लेवल में या ब्लॉक लेवल से छोटे कंटेनमेंट जोन जो अलग अलग बना रहे हैं, उतने एरिया को भी हम यदि ब्लॉक करते गए, क्योंकि 80% से ज्यादा केसेस पूरे देश के बता रहा हूं, 6-7 मेट्रो और 8-7 शहरों में सीमित है 80% केसेस। यदि हम उस एरिया को सेग्रीगेट करते जाते हैं, उस एरिया को अलग रखते जाते हैं और नीचे स्तर में जो हमारे मजदूर गए हैं क्वारंटाइन सेंटर का बेस्ट अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये धीरे धीरे, मगर ये संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता कि जून और जुलाई में भी इसका स्प्रेड आउट होना है। इसके लिए अभी से हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। सर, आप इतना अच्छा पूछ रहे हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी पूछ लेते तो हम लोग बैठ के बात कर लेते। कोरोना के लिए पूछा नहीं, उपाय क्वारंटाइन सेंटर के लिए पूछा नहीं, लोग आ रहे थे उसकी व्यवस्था के लिए विपक्ष को विश्वास में नहीं दिया। अरे, हम लोग विपक्ष में हैं,